सूचना आयोग के उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री विनय रोहेला की पत्रकार वार्ता की सूचना भाजपा पदाधिकारियों द्वारा दी गई थी, जिसमें 12 बजे प्रकाश होटल में आमंत्रित किया था, जिसके बाद समय बढ़ाकर 12:30 बजे का कर दिया गया। पत्रकार तय समय से करीब 10 मिनट पहले ही पत्रकार वार्ता स्थल में पहुँच गए और विनय रोहेला भी करीब इसी समय होटल पहुँच गए। सभी पत्रकार उनका इंतजार करते रहे, लेकिन विनय रोहेला सभागार में न आकर होटल के कमरे में जाकर बैठ गए। करीब आधे घंटे से अधिक इंतजार करने के बाद भी जब रोहेला सभागार में नहीं पहुंचे, तो पत्रकारों ने सामूहिक रूप से फैसला करते हुए पत्रकार वार्ता का बहिष्कार कर दिया और होटल से वापस चले आए। इस दौरान भाजपा के कई पदाधिकारियों ने पत्रकारों को फोन किया और उनसे पत्रकार वार्ता में आने का अनुरोध करने लगे, लेकिन पत्रकारों ने वार्ता में जाने से साफ इनकार कर दिया। आज रुड़की के एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें 12 बजे का समय पहले दिया गया था, जिसमें सभी पत्रकार साथी वहां पर समय पर पहुंच गए थे, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 1 बजे तक भी वहां पर नीचे जो जिन्होंने प्रेस आयोजित की गई थी, कोई भी वहां पर जिम्मेदार लोग थे नहीं पहुँच पाए, जिसके बाद सभी पत्रकार साथियों ने उस प्रेस वार्ता का बहिष्कार कर दिया है। बहिष्कार करने के बाद सभी वहां से आ गए हैं। हालांकि उसके बाद जो पदाधिकारी थे या भाजपा के जो लोग थे, उन्होंने पत्रकारों को मनाने का भी कोशिश की है, लेकिन पत्रकारों का इस तरह से जो अपमान हुआ, इस अपमान को सहन नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर रुड़की प्रेस क्लब ने इस पत्रकार का वार्ता का पूर्णतः बहिष्कार किया।